हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ये बॉक्स आपको 1000 रुपये का पड़ रहा है, आपको 1000 रुपये पे 1000 रुपये मिल रहे हैं। इसका रोज का आप एक पाउच फाड़ो, गुनगुने पानी में डालकर रोज सुबह पी लो तो एक महीने में आपका 5 किलो वजन घट जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो प्रोडक्ट हीट होता है। हीट होने के बाद जो भी उसके अंदर गंदगी, कूड़ा, कचरा है वो इसके अंदर ऊपर रह जाता है और प्रोडक्ट नीचे प्यूरीफाई होकर नीचे आ जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। मात्र 950 रुपये खर्च करके आप कैसे लाखों कमा सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत खाने का बहुत शौकीन है और साथ में स्वाद में जो खाने में सुगंध आती है वो भी कहीं ना कहीं हर किसी को बहुत भाती है। आप सभी जानते हैं कि जब भी खाने में हींग डाला जाता है उसकी क्वांटिटी नामात्र के बराबर होती है, लेकिन वो खाने का स्वाद और बढ़ा देता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हींग का बिजनेस करके आप किस तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि हींग को बनाया कैसे जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, तो आज इस वीडियो में हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे कि हींग का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं और साफ तौर पर हींग का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ों को आपको इलैबोरेट करके दिखाएंगे। तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ ऑनर हैं जो कि हींग का पूरा प्रोसीजर, हींग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। ये जो आइडिया है हींग को बनाने का, आपकी कंपनी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत समय से चल रही है, कितने साल पुरानी कंपनी है सबसे पहले ये बताइए। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स ओल्ड होगी जी, 100 साल हो चुके हैं इस कंपनी। 100 साल पुरानी कंपनी है। हम लोग फोर्थ जनरेशन है इसमें। फोर्थ जनरेशन, कैसे करते हैं ये काम, कुछ बताएंगे? एक्चुअली में हिडन रेसिपीज हैं जो हमारी हमारे ग्रैंडफादर के थ्रू हमारे को मिली हैं, और उन रेसिपीज के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं, और सब प्रोडक्ट्स जो हैं इनके टेस्ट, फ्लेवर्स सब कुछ डिफरेंट है। सब कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर जैसे किसी को अगर नॉर्मली अचार के लिए चाहिए या पापड़ के लिए चाहिए तो हमारी एक हींग आती है, महादेवी हींग। महादेवी हींग, हाँ जी, वो आप यूज़ करें बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताइए कि हींग बनाने का जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी कहाँ पर है, कहाँ पर एस्टेब्लिश है? हमारी कंपनी जो है खारी बोली और रोशन लाल हींग वाली गली के अंदर है। शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से आपके पास ये सारे प्रोडक्ट आते हैं? ये जो हींग है ये तजाकिस्तान की, ये अफगानिस्तान की हींग है, इसको कॉकटेल हींग बोलते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद ये ईरान की हींग है, इसको हड्डा हींग बोलते हैं। ये नॉर्मली आपके राजस्थान में इतने पापड़ वगैरह यूज़ होते हैं वो सब हड्डा हींग ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो हींग है ये उज़्बेकिस्तान की हींग है। तो ये कहीं ना कहीं दूध का फॉर्म है, दूध का फॉर्म होता है। उसके बाद हम इसको, इसमें कुछ फॉरेन मटेरियल होता है जिसके लिए हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद फिर हम इसको फाइनल प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद ये जो हींग है ये किर्गिस्तान की है, ये भी मिल्क फॉर्म है और प्योर हींग है। कि आप 5 अलग अलग आपको सामने दिखाई देगी, 5 तरीके की हींग है जिसको अभी बनाया जाएगा कि आखिरकार इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये जो आप 5 तरीके की हींग अगर सामने देख पा रहे हैं ये 5ों प्योर है बिल्कुल। अच्छा सर, उसके बाद इसको किस तरीके से प्रोसीजर कैसे होता है? बाद हमारा ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसके अंदर हम इसको फिल्टर करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो प्रोडक्ट हीट होता है। हीट होने के बाद जो भी उसके अंदर गंदगी, कूड़ा, कचरा है वो इसके अंदर ऊपर रह जाता है और प्रोडक्ट नीचे प्यूरीफाई होकर नीचे आ जाता है। अच्छा, तो इसमें हींग डालते हैं और साथ में पानी के? हाँ, पानी डालते हैं। ठीक है, अंदर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये अभी मशीन चल रही है, इसके अंदर फिल्टर होता है हींग, आप साफ देख पाएंगे पानी है और नीचे हींग है और लगातार ये मिल रहा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि अभी इसके अंदर हींग जा चुका है, पानी का कलर पहले कैसा था और अब देखिए वाइटिश हो गया है। जितना भी हींग में जो भी गंदगी होगी वो पूरी तरीके से प्योरीफाई होके यहाँ से निकलेगी। यहाँ पर देखिए टैप है, इस टैप को जैसे खोलेंगे, अभी देखिए टैप को खोल के हम आपको दिखाते हैं, पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा हींग को बनाने में। अब हम जो है इसको इस प्लांट, मिक्सर प्लांट के अंदर डाल देंगे। देखिए ये एक बड़ा सा प्लांट है यहाँ पर, यहाँ पर इस प्लांट में सर पहले से ही कुछ चीज़ें हैं। ये हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैदा, गोंद और हींग डाल देते हैं। मैदा, गोंद और हींग डाल देते हैं। अब गोंद, मैदा और हींग को आपस में मिलाया जाएगा। तो अभी देखिए ये मशीन किस तरीके से चलती है, ये मिलाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए अभी पानी डाला जा रहा है, जैसे जैसे पानी डालेंगे वैसे वैसे अब इसका एक प्रॉपर डो बन जाएगा।
तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि मशीन में डो तैयार हुआ है, डो के बाद क्या होता है वो सर बताएंगे। डो के बाद हम इस तरीके से इसके स्लैब्स बना लेते हैं, स्लैब्स बन जाते हैं, इनको फिर हम सन ड्राइंग करते हैं। सन ड्राई करने के बाद फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेज ऐसे काट लेते हैं। अच्छा, अभी इसको स्टिल अभी थोड़ा इसमें मॉइस्चर है तो हम इसको और ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसका एक प्रोसेस और होता है, वो प्रोसेस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट के बाद हम इसको जो है पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, बाकी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं आपके पास दूसरे तरीके के भी हैं जो छोटे छोटे पीसेस में हैं। जो छोटे छोटे पीसेस में हैं ये एक डिफरेंट फार्मूला है और उस फार्मूले के अंदर हम डिफरेंट तरीके की रेसिपीज या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो हमारी कई सारी वैरायटीज हैं जो आपको पता चल जाएगी जब हमारी डब्बी आप पैकिंग वगैरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी, ये पूरी तरीके से देखिए सुखाने के लिए रखा गया है। ये डिफरेंट तरीके का हींग है, जो हमने दिखाया वो ब्रिक्स फॉर्म में था, वो ग्राइंड होने भी ऐसे ही जाता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये अभी लगभग कितना दिन लगता है सर इसको सूखने में? नॉर्मली 15-20 डेज लगता है। पहले ये सूखेगा उसके बाद उसको उस फॉर्म में तोड़ा जाएगा। हाँ, उस फॉर्म में इसको हम तोड़ देंगे। इस हींग को पहले इस फॉर्म में 15 दिन तक सुखाया जाएगा और जब ये 15 दिन के बाद सूख जाएगी तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसका एग्जाम्पल आपको सामने वहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप वहाँ देखेंगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा और वो ऐसा हो जाएगा। सूखने के बाद इसको तुरंत ग्राइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आप इस जगह की बात करें तो आप देख सकते हैं हाइजीन का कितना खासा ध्यान रखा गया, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर भी। अगर आप जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके ड्रेसअप भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं और पूरा का पूरा जो जहाँ मशीन लगी है जहाँ पर ये पूरा काम हो रहा है तो हाइजीन का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। देखिए ये है पूरा रेडी माल जो कट्टे में आप सामने देख पा रहे हैं, इसको डाला जा रहा है इसके अंदर। ये है सूखा माल, बिल्कुल रेडी हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। ये है बना हुआ हींग, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सूख चुका है बहुत अच्छे से। अब ये ग्राइंडर में जाने के लिए रेडी है। अब भैया देखिए किस तरीके से इसको मशीन के अंदर डालेंगे। ये मशीन है जहाँ पर ग्राइंड होता है। अब इस मशीन को चलाया जाएगा। यहाँ से हींग गई और उसके बाद यहाँ से ग्राइंड होती हुई ये पाइप के थ्रू जाएगी धीरे धीरे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर उसका मिक्सिंग का प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो प्रॉपर फिल्टर होके जो हींग निकलती है वो यहाँ पर है। अगर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा तो देखिए ये प्रॉपर जो हींग है वो रेडी हो चुकी है। और अगर इसमें कुछ गंदगी होती है क्योंकि 15 दिन तक धूप में सूखती या फिर कोई प्रॉब्लम कुछ चीज़ें निकलती है तो ये देखिए इधर मशीन का ऊपर से पाइप लगाई हुई है फिल्टर होके, अगर फिल्टर के दौरान कोई गंदगी है, कोई लोहा है या किस तरीके का कोई कंकड़ पत्थर है वो किनारे से निकल जाता है। तो मशीन देखिए कितनी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हींग का पूरा प्रोसीजर तैयार हो जाता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हींग का जो प्रोसीजर पूरा बनकर तैयार हुआ उसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पेपर रोल लगाया गया और धीरे धीरे करके 10 ग्राम के पैकेट जो हैं वो नीचे तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए 10 ग्राम का पैकेट है, इसको ग्राइंड कर दिया गया है और ये कितना सुंदर है, कितने अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। उसके बाद ये बॉक्सेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक फॉर्म में, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो खुद का ब्रांड है महादेवी हींग है जो 2 ग्राम की है, आप देखेंगे ये आसानी से, ये देखिए कितना छोटा सा पैकेट है, ये आपको एक पैकेट 2 रुपए का पड़ेगा और ये देखिए इस तरीके से ये पैकेट पैक हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इससे आप किस तरह से फायदा कर सकते हो, हींग से किस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर आप अपनी कमाई को दुगुना, चौगुना, 8 गुना और 16 गुना और 32 गुना कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ पैकिंग्स हैं। हमारे पास एक मीडियम क्वालिटी है और एक प्रीमियम क्वालिटी है। मैं पहले मीडियम क्वालिटी से स्टार्ट करता हूँ। मीडियम क्वालिटी में हमारे पास ये है, ये 10 ग्राम की पैकिंग है, 10 ग्राम की पैकिंग है। इसकी एक डब्बी ये मात्र आपको 8 रुपये की पड़ती है और ये 25 रुपये की MRP है। आप इसको बड़े आराम से 16 रुपये में दुकानदार को दे सकते हो, दुकानदार आगे 56% जोड़कर 25 रुपये में ग्राहक को बेच देगा। यानी कि आप होलसेल रेट बता रहे हैं जो बिजनेस के, जो यहाँ पे हमारे डीलर्स को मिलेगा। हाँ। वो 8 रुपये में मिलेगा ये। अब इसका टोटल इकोनॉमिक्स ऐसे वर्कआउट होता है जी, ये 1 किलो माल, ये आधा किलो का डब्बा है, ऐसे आपको 2 डब्बे मिलेंगे, ये 1 किलो माल आपको 800 रुपये का पड़ेगा प्लस 100 रुपये कोरियर के, 900 रुपये। और एक हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी है कि जब आपके पास माल पहुंचे तो कुरियर वाले को आप पैसे देकर माल उससे ले सकते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लेता है, तो इसलिए हमने बोला था 950 रुपये के अंदर आप ये 2 डब्बे ले सकते हैं। आपको 950 रुपये के 2 डब्बे पड़ेंगे और ये आप बड़े आराम से 1600 रुपये का 2 डब्बे बेच सकते हैं। इसके बाद एक हमारी ये पैकिंग है जो हमारी एक्सपोर्ट में भी जाती है, इसको हम कहते हैं लिड पैकिंग, कैन पैकिंग है।
ये हमारी, ये भी आपको 800 रुपये किलो पड़ता है, मतलब कि 40 रुपये की एक डब्बी पड़ेगी, 80 रुपये की आप बेच देंगे, 120 रुपये इसके ऊपर MRP है। इसके बाद एक हमारे पास क्वालिटी आ जाती है 100 ग्राम, ये आपको 70 रुपये की पड़ती है, 700 रुपये किलो, और ये आप बड़े आराम से 140 रुपये की बेच सकते हैं दुकानदार को, और दुकानदार आगे 200 रुपये की बेच देगा, इसके ऊपर 200 रुपये की MRP है। 100 रुपये का एक डब्बे पे बेनिफिट आप आराम से कमा पा रहे हैं, एक डब्बे पे आराम से 100 रुपये का नहीं, डबल का 700 को 1400 रुपये कमा पा रहे हैं, एक डब्बी के ऊपर बड़े आराम से आप 70 रुपये कमा पा रहे हो। बहुत अच्छा। और इससे भी कुछ, इसके बाद फिर एक हमारे पास आ जाती है प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी हमारी है 2000 रुपये किलो। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा एक ग्राम का पाउच, ये एक ग्राम का पाउच है जो मात्र आपको 2 रुपये का पड़ेगा, इसके ऊपर MRP है 5 रुपये, आप 3.5 रुपये का बड़े आराम से दुकानदार को बेच सकते हो। इसका एक और फायदा बताता हूँ, इसका रोज का आप एक पाउच फाड़ो, पानी में डालो, निवाया गुनगुने पानी में डालकर रोज सुबह पी लो, तो एक महीने में आपका 5 किलो वजन घट जाएगा। देखिए, एक फायदे नहीं है, सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता ही, आपका वेट भी कम करता है। इसके बाद एक हमारे पास क्वालिटी है, ये 10 ग्राम की पैकिंग, जो प्रीमियम क्वालिटी में 10 ग्राम की पैकिंग, ये 10 ग्राम की पैकिंग आपको मात्र 20 रुपये की पड़ती है, 2000 रुपये किलो, इसके ऊपर MRP है 60 रुपये, आप 40 रुपये का बड़े आराम से दुकानदार को दे सकते हो। मतलब कि हमने जितने भी आपको अभी तक प्रोडक्ट दिखाए उसमें 99% प्रोडक्ट्स में आप 100% मार्जिन आपके पास आता है, आप एक लगाओगे आपके पास 2 आएंगे, और इसके ऊपर भी कोरियर चार्जेस वही 100 रुपये प्रति किलो, एंड कैश ऑन डिलीवरी 60 रुपये प्रति किलो है। इसके बाद इसके अंदर एक हमारे पास आता है 50 ग्राम की, वही लिड पैकिंग है, ये 50 ग्राम पैकिंग भी आपको 2000 रुपये किलो पड़ती है, मतलब कि एक डब्बी आपको 100 रुपये की पड़ी, आप 200 रुपये की बेच देंगे, इस पर 275 रुपये MRP है। फिर हमारे पास एक की क्वालिटी है 100 ग्राम की, ये भी 2000 रुपये किलो है, इसको आप 200 रुपये की पड़ेगी, 300 रुपये की बेच देंगे, 400 रुपये MRP है। देखिए, बात प्रोडक्ट की हमने कि किस तरीके से आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छा रोजगार आपको एक हींग के बिजनेस से मिलेगा। कुछ और चीजें भी है कि थर्ड पार्टी लेबल भी यहाँ किया जाता है, जिसको व्हाइट लेबल कहा जाता है। सर, ये कैसे है? हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं, जिसके अंदर हम सामने वाले का स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी उसका प्रोडक्ट हम इसमें पैक कर देते हैं, और उसका लेबल लगाकर उसको रेडी माल ऐसे ही जहाज में भरकर हम दे देते हैं। उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है हमारी 50 kg। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर किसी के पास स्पेस नहीं है, हाँ, तो भी कोई जो बल्क बायर्स हैं, जो अपना पैकिंग करवाना चाहते हैं, वो हमारे से ले सकते हैं। इसके अंदर एक और फैसिलिटी हम देते हैं, अगर आपको 50 किलो नहीं चाहिए अभी, तो हम आपको बिना स्टिकर के आपको बॉटल्स या ये वाली भी आपको बिना लेबल्स के दे देंगे, और आप लेबल अपने पास चिपका लें, हम आपको रेडी पैक्ड माल दे देंगे। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, व्हाइट लेबल जो आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी करते हैं, ये सिर्फ इसी बॉक्स पे होता है या हर एक के ऊपर होता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, हमारे पास 3 तरीके की पैकिंग है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तीनों पैकिंग पे हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर किस तरीके से हींग को बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि हींग का मैन्युफैक्चर बनाया कैसे जाता है, किया कैसे जाता है। आज हमने आपको हर एक छोटी चीज दिखाई है, और छोटे छोटे पैकेट तरह तैयार होते हैं, उसके बाद इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है। अब इन हींगों को राजस्थान में पापड़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो पापड़ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आसानी से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो लोग हैं वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। तो मैं यही आशा करूंगी कि जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है, जो भी पापड़ के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं राजस्थान में, वो लोग जरूर इनसे कॉन्टैक्ट करें, जरूर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और जो बेरोजगार हैं, जो अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन सबके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, अब भी जाएं और अभी शुरू करें। जरूर इस नंबर पर एक मिस कॉल दें, आप जैसे ही इस नंबर पर एक मिस कॉल देंगे या टेक्स्ट करेंगे या व्हाट्सएप पर हाई करेंगे, आपको सारी की सारी डिटेल आपके मोबाइल पर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आप आसानी से जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं, और सोचिए आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और डबल मुनाफा कमाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जरूर इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मैं आशा करती हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग अब इस रोजगार के साथ जुड़ेंगे और इस काम को जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको राजस्थान।